हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदिश नेशन। सो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो अभी फेस्टिव का सीज़न चल रहा है। तो यहाँ पर जो जो लोग को मालूम है कि यहाँ पर एक पूजा होता है, दुर्गा पूजा, ठीक है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम है, अभी गाना वाना बज रहा है बाहर में। तो यहाँ पर मैं वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि डेथ अपराइजिंग के कुछ ट्रिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो जो नए हैं, जो जो पहले से खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उसका बात अलग है, लेकिन जो जो नए हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके पास M60 होगा तो M60 ज़रूर यूज़ करना गन, और गोल्डन कलर का M60 जो लेजेंडरी स्किन है उसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, ये बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है, देखो मेरे सामने से खड़ा हुआ है। तो मैं इसी साइड को प्रेफर करता हूँ, जो कि फास्ट राउंड में इसी साइड में खेलना चाहिए, ठीक है। इस साइड में क्या होता है, तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक साइड लेके तुम यहाँ पर खड़ा हो जाओगे गन लेके, जिसके तुम्हारा हेड, तुम जो जॉम्बी जो आएगा तुम उसका हेड लेना, ठीक है। अगर बॉडी पे डैमेज दोगे तो 45-50 ऐसे करके निकलेगा, लेकिन हेड में डैमेज दोगे तो एकदम पूरा के पूरा 300 या फिर 280-290 ऐसे करके निकलेगा। तो वहाँ पर तुमको बहुत ही पॉइंट गेन करने में आसानी होगा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे जैसा ही एक बंदा है, रोहित नाम का, वो भी 2.7 का डैमेज दिया हुआ है, और मैं भी 2.7 का ही डैमेज था मेरा भी, लेकिन वो शॉट गन लेके, अभी देखो खेल कैसे घूमता है, देखो मैं पहले निकल गया हूँ, 3.5 मेरा हो गया है, ठीक है। तो राहुल उतना नहीं कुछ कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है। और शॉट गन लेके बिल्कुल ही मत खेलो, क्योंकि जो लास्ट जो राउंड होगा, जो बॉस जॉम्बी आएगा, उसमें तुमको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बॉस बहुत दिक्कत होगा, और वो तुमको ही टारगेट करके रखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हर एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि बहुत ही टफ कंपटीशन है, ज़्यादातर तुम अगर तुम्हारा अच्छा स्क्वाड के साथ मत खेलो तो ज़्यादातर नुबड़े पड़ते हैं, ठीक है। तुम उसे अच्छा नहीं होता है उतना प्लेयर, लेकिन अगर अच्छा स्क्वाड कुछ बार पड़ जाता है तो वहाँ पर कैसे खेलना है, तुमको हेड लेना है, हर बार तुमको हेड लेना है। देख लो, वो वहाँ पर गांड लेके खड़ा है लेकिन नहीं मार पा रहा है, क्योंकि मैं मार रहा हूँ सब, ठीक है। तो ऐसे करके सेकेंड राउंड में मैं और एक चीज़ बताऊँगा, जो कि है जो मोटा सा ही है, जो मोटा सा जो जॉम्बी आया है, इस जॉम्बी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये जॉम्बी बहुत टाइम के लिए स्टेबल रहता है, मतलब उतना आसानी से मरता नहीं है, और उसका हेड बहुत लेता है, ठीक है। उसका हेड लेके मारो, वो धीरे धीरे आता है, उसका हेड लेके मारो, तुम्हारा ऐसे ही 0.1 के तुम्हारा वो बिल्ड कर देगा, मतलब 5 गोली उसका हेड में लगेगा तो ये 5 या फिर 4 गोली उसका हेड में लगेगा तो 250 आप देगा, मतलब 250 क्रॉस करके 4, मतलब 1000 पॉइंट तुमको वो दे देने वाला है, ठीक है। तो ये मोटा वाला जो जम्बी होगा उसको मत छोड़ना एकदम, उसका पूरा हेड लेके मारना, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी जम्बी हो उसका हेड ही मारना, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ओपोनेंट होगा, मतलब और जो 3 बंदे होगा, उसको मारने का चांस नहीं है, ठीक है। वो डैमेज नहीं, उसको नहीं डैमेज मिलेगा, तुमको सब डैमेज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके खेलो, और पहले राउंड में अगर पीछे भी जाओ, मतलब तुमसे भी कोई आगे निकल जाए, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन राउंड है, मैं सोचता हूँ वो है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या करना, तुम्हारा तरफ जम्बी आए, ठीक है, तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ उस एक जम्बी का हेड पे गन एम करके रख दो, ठीक है। मतलब स्कोप ऑन नहीं, स्कोप आउट करके ही एम करके रख दो, और धाराधार गोली मार दो, ठीक है। मतलब 60 गोली यहाँ पर M60 में रहता है, तो 60 गोली अगर चल जाता है एकदम से तो कितना वेस्ट होगा, मतलब 60 गोली में तो 60 जो गन का बुलेट्स है उसमें से 40 या फिर 30 ज़ॉम्बी तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके खेलना, और यहाँ पर मैप में देख देना, जब जहाँ पे ज़ॉम्बी ज़्यादा होता है वहाँ पर अकेले चले जाना, ठीक है। और ऐसे तो कोई बात नहीं है कि मर जाओगे या ऐसे कुछ, तो ऐसे ही खेलना। अभी देखो, मैं यहाँ पर लोकेशन में ढूंढ रहा हूँ ज़ॉम्बी कहाँ पर है, तो ज़ॉम्बी यहाँ पर है, तो एक ने स्पॉट कर दिया है, वो मेरी तरफ खेलता है, तो एक ने स्पॉट कर दिया है, देखो उसको डैमेज नहीं मिला, मुझको 268 का डैमेज मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके ही खेलना है। अभी देखो राउंड 3 स्टार्ट हो गया, मेरा हेल्थ देखो भाई 280, और ये बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
बहुत ही डेंजरस जॉम्बी है, ठीक है, दूर से बार करेगा और पीछे छुप जाएगा, ठीक है, तुम्हारा डैमेज देगा। अभी देखो कैसे खेल रहा है, देखो अभी देखो मुझको मिली कि मेरा यहाँ पर खेल चला गया है, तो मैं यहाँ पर फिर से आ गया, मेरा पास बहुत बहुत सारा टोकन है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डेथ अपराइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिस जिसको नहीं पता है कि डेथ अपराइजिंग में जो जो हमारा जैसे पहले कार्ड दिया मतलब बुआ मिलने में कार्ड दिया जाता था, तो ऐसे डेथ अपराइजिंग में भी कार्ड दिया जाता है, चारों कार्ड दिया जाता है। अगर आपको सभी कार्ड को ओपन एक साथ ओपन करना है तो आपको 30 डायमंड लगेगा, लेकिन फ्री में आप सिर्फ एक ही कार्ड ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो तीन बार ऐसे कार्ड देता है, मतलब तीन बार बुआ मिलने पे आपको तीन बार कार्ड का चूज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो उससे आप जॉम्बी बैच निकल सकते हैं, जॉम्बी बैच से आपको ड्रेस मिल सकता है, गन का स्किन मिल सकता है, परमानेंट गन का स्किन मिल सकता है, एके है, और शायद मुझको थोड़ा यार एके है और M4A1, ठीक है, तो एके M4A1 का आपका स्किन मिल जाएगा परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मेरा स्कोर ज़्यादा हो गया, देखो 30K 29K, ठीक है। अभी देखो बॉय जॉम्बी पे देखो क्या होता है, वो शॉर्ट गन लेके खेल रहा है, ठीक है, तो उसका उतना नहीं डैमेज कर पा रहा है, देखो। और एक चीज़ है, बॉस जॉम्बी जब आएगा तब सभी से सेपरेट रहना है, मतलब मेरे यहाँ पर देखो मेरे यहाँ इस तरफ कोई भी नहीं है, कोई भी एक भी बंदा नहीं है, ठीक है, सभी कौन सी तरफ है, दूसरी तरफ है। तो क्या होगा, ऐसे मतलब बॉस जॉम्बी जो होता है वो अटैक करता है जहाँ पे झुंड ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग होता है वहाँ पर ही बॉस जॉम्बी अटैक करता है। अगर आप सेपरेट रहोगे तो आपको कोई अटैक नहीं करेगा। और ग्रेनेड आप लोग गलत फेंकते हो, मतलब बहुत सारे लोग थर्ड राउंड में ही फेंक देता है, थर्ड राउंड में फेंकने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। अभी देखो इस जो ऐसे जो मूव करेगा इसमें ग्रेनेड फेंकना, तो तुम्हारा ग्रेनेड एक भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉस जॉम्बी वहाँ पर खड़ा रहता है, ठीक है, हिलता भी नहीं है। देखो मैं बुआ मार दिया, देखो वो स्पैश ट्यूब से मारा था लेकिन मैंने बुआ मार दिया, कैसे, तो आप लोगों को दिखाई दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को खेलना चाहिए, और आप लोग तो जानते ही जॉम्बी टोकन से बहुत सारा चीज़ निकलता है, डायमंड रॉयल वाउचर निकलता है। अभी देखो क्या होता है, नहीं मिलेगा इसमें, तो अभी देखो नहीं मिला मेरे को कैरेक्टर, या देखो दो तीन नंबर पर आया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे को स्पेशल एयर ड्रॉप भी मिल गया 90 रुपीज़ का, वाह। तो और एक चीज़ है जो कि स्पेशल एयर ड्रॉप आप ला सकते हैं, ठीक है, वो जॉम्बी मोड ज़्यादा के लिए, एंड अभी तो क्लास स्क्वाड भी आ गया है, उसमें बुआ मारोगे तो एक दिन या फिर दो दिन में आपको स्पेशल एयर ड्रॉप मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने नए जो दोस्त जो फ्री फायर खेलते हैं उन लोगों से शेयर करिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल जाए, एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही आपको मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।